गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट में दोनों अनकॉन्शियस होकर सो गए थे, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का भी नहीं बल्कि इवनिंग का सीन, जहाँ पे ना स्लोली जो जीवन होता है वो अपनी आईज ओपन करता है और उसको ना अपने बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। तो ना वो अचानक से ना हल्का सा चिल्लाता है, बट ना अपने बैक पे हाथ रखता है और उठने की कोशिश करता है, तो उसको फील होता है कि उसकी बॉडी पे ना उसकी क्लोथ्स नहीं है। तो ये देख के वो शॉक होता है और फिर ना ब्लैक एंड हटा के देखता है तो वो सच में ना बिल्कुल ही नेकेड था। तो वो शॉक हो गए थे, बट वो ना अपने ऊपर देखते कि ना उसकी जो थाई वाली जगह है ना वहाँ पर किसी का हाथ है, तो वो देख के शॉक हो जाते हैं ये किसका हाथ है। तो ना वो फ़ौरन उस पर्सन की तरफ देखते हैं और जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखते हैं मीन्स हमारे यूंगी की तरफ देखते हैं, तो ना जिमी देख के फुली शॉक हो जाता और ज़ोर से चिल्लाता है यूंगी ऐसे चिल्लाता। और उसके चिल्लाने से ना जो यूंगी होता है उसकी भी आईज ओपन हो जाती है और फिर जो जिमिन को सपने सामने देखते हैं तो उन्हें फौरन कहते हैं जिमिन मेरे पास ना, वो ऐसे बोलते और खुद जोर से चिल्लाता है बिकॉज जो जिमिन था उस पर नाइट में बहुत ज़्यादा रफ गया था। तो ना जिमिन की ना आई से ना टीयर्स निकलने लग जाते हैं और फिर ना वो योगी हो कहते हैं तुमने मेरे साथ क्या किया, तो मुझे बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, मुझे ऐसा क्यों, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा यकीन तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने, ये ना ऐसे बोल के ना रोना स्टार्ट कर देता। अपनी नीस को हक भी उससे सही से नहीं की जाती, वो ना बहुत अजीब सी पोजीशन में बैठा था बिकॉज उसकी बैक में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो ना यूंगी अपने बैक के ना पेन को इग्नोर करते यूंगी जिमिन को हक कर लेते और जो जिमिन होता है वो ना यूंगी को पीछे धक्का दे रहा होता है, जिससे ना जिमिन को और भी यूंगी का और भी ज़्यादा अपनी बैक में पेन फील हो रहा होता है। तो फिर ना वो जिमिन के ना फेस को पकड़ता है, पीछे हटता है और फिर ना जिमिन के फेस को पकड़ता है और कहते कि ना तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी जिमिन होता है उसके फेस पे ना एक जोर से स्लैप कर देता है और फिर कहते कि ना तुम अभी मुझसे पूछे कि मैं गुस्सा क्यों करूँ, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, मुझे नाइट की कोई बात याद नहीं है, इसका मतलब तुमने कुछ किया था ना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मैं यूंगी, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम ऑलरेडी मैरिड हैं, हमारे हस्बैंड्स हैं, बड़े तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उस जगह ही रो रहे थे। तो फिर ना जो यूंगी तो कहते कि ना मेरा हस्बैंड मेरे लिए कोई मान नहीं रखता, हमने आज तक कहीं पर ठीक से बात भी नहीं की, हम दोनों ये मैरिज नहीं चाहते थे। तो जो जिमिन होता है उसकी तरफ ना देख रहा होता है बहुत डिस्गस्टिंग लुक से। तो फिर ना जो जिमिन के ना फिर फेस को ना यूंगी पकड़ लेता और फिर कहते कि ना मुझे बताओ कि ना आरएम यूंग ने कभी तुम्हारे साथ कुछ किया है, तुम्हारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स बने क्या, मन तुम्हारा फर्स्ट था, ये बोल ये वो पूछते। और फिर ना अभी वो थोड़ा ना ऐसे हो गया था ना इनसिक्योर टाइप हो गया था या कह लीजिए, उसको ना थोड़ा जेलसी फील हो रहा था। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसको और ज़्यादा डिस्कस लुक देखते और उसके फेस पे ना एक और जोर से स्लैप कर देता है, तो ना यूंगी का अपोज से गुस्सा आ जाता है और उसके ना जो दोनों शोल्डर्स को ना बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता और कहते कि ना जितना मैंने पूछा उतना जवाब दो मुझे, वरना तुम्हारे साथ मैं बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा पार्क जीवन। तो फिर ना जो जिमिन होता वो रोते हुए कहते कि ना तुम इतना ज़्यादा कर सकते, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर डमचून को पता चला तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो ये सोच रहा था। और फिर ना रो रहा था। तो फिर ना जो यूंगे था उसके फेस को लिफ्ट अप करते हुए कहते कि ना मैंने जो पूछा मुझे उसका आंसर दो, तुम्हारे बीच में कभी रिलेशनशिप्स बने। तो फिर ना जो जिमिन होता उसको धक्का देते हुए बोलते कि ना चले जाओ यहाँ से, क्यों पास्टर नहीं बनूंगा हमारे बीच में, सुन लिया खुश हो गए तुम ही हो जिसने मेरा ना रेप किया था। फिर ना जो यूंगे था वो उसके पास आता और कहते हैं मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया, वो अलग बात है, मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए थे बट नाइट को तुमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ये ना बोलो। तो फिर ना जो यूंगे था वो उसके ना डिस्कस लुक देखते और फिर कहते हैं ना तुम वो यूंगे ने जिससे मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तुम बस एक लस्ट डिज़ायरफुल इंसान हो, तुम मेरे साथ इतना सिंपल एक्शंस कैसे कर सकते हो। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना
अब उसका ना गुस्सा बिल्कुल हाई हो रहा था, तो बस ना वो अपने आप को कंट्रोल करता था, और नाइट जमीन का उसको ना अपनी बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, तो वो जब अपनी आईज ओपन करता है तो उसकी आईज में ना हल्के हल्के टीयर्स और नहीं होंगी। जब जमीन की तरफ देखते वो तो ऑलरेडी क्राइंग मेस बन चुका था, तो फिर ना जब यूंगे तो वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने बैक के पेन को दोबारा इग्नोर करते हुए जमीन के पास जाता है और उसकी चीक्स को ना दोनों को पकड़ लेते अपने दोनों हाथों में, और फिर कहते कि ना मुझे बताओ तुम क्या सच में आराम को चाहते हो, मीन्स ऐसे तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो, हाँ ऐसे लाइफ पार्टनर। तो फिर ना जो जमीन होता है वो कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो ऑलरेडी मेरा लाइफ पार्टनर है। तो फिर ना जो जूंगी होता है वो कहते हैं कि ना हम तो तुम उससे छोड़ देना, तो उससे छोड़ देना, मैं तेंग से इतना डिवोर्स ले लूँगा, हम दोनों अपनी अलग से लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो ना जो जमीन होता वो ना रोते हुए कहते हैं तुम पागल हो चुके, तुम्हारा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी होता वो ना रोते हुए कहते हैं कि ना प्लीज़ जमीन मेरी बात सुनो ना, तुम मुझे पता है तुम आराम के लिए कोई फीलिंग नहीं रखते, वरना अगर ड्रग भी तुम्हें होता तो तुम रात को जाम जून का नाम लेते या किसी और पर्सन का नाम लेते जो तुम्हारे दिल में होता, पर रात को तुम सिर्फ मेरा नाम ले रहे थे। ड्रग में होने के बावजूद मैं इतना ज़्यादा शौक हुआ था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब किसी को ड्रग दिया जाता है तो उसी पर्सन का नाम सुनना जो सच जिसको वो रोज़ाना सोचते या इस तरह करके, तो सही पर्सन का नाम उनसे निकलता है, और तुम रात को बिल्कुल सच बोल रहे हो, तो तुम भी मुझे चाहते हो, तुम इस बात को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, मुझे पता चल रहा है, बट ऐसा ना कहो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे फर्स्ट डे से प्यार करने लगा था, मुझे फर्स्ट डे से तुम्हारे साथ अफेक्शन था, बट स्लोली स्लोली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर जिमिन प्लीज़ मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते, बस नामजुन की वजह से ना आ रहे हो, उनकी वजह से मुझे डर रहे हो। तो फिर ना जो जिमिन होता वो ना रोते हुए कहते हैं ना मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं पता, वो ऑलरेडी मेरा हस्बैंड है और इधर मैं तुम्हारे साथ अल्टीमेट हो गया हूँ। तो फिर ना ये बोलते हुए रो रहा था कि कह रहे कि ना अगर नामजुन को इस बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा, मुझे जान से मार देगा। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसका ना आईज रेड हो जाती है गुस्से में, तो फिर कहते कि ना कोई तुम्हें हाथ ही लगाएगा, तुम बस ये बताओ तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं, ये बोलते हैं। और फिर ना जो जीवन होता है वो यूंगी को ना टाइटली हाथ पकड़ लेता है, कहते मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। वो तो फिर ना जो यूंगी था वो स्माइल करता है, और फिर ना यूंगी ना जीवन की फोरहेड पे किस करता है, और फिर ना वापस लेट जाता है, उसको भी अपने साथ लेटा लेता है। तो फिर ना जो जीवन होता वो क्राई कर रहा था, और यूंगी की आई से भी ना हल्के हल्के टीयर्स निकल रहे थे, बट वो हैप्पीनेस के थे, और जो जीवन था वो बस अपना ना जो था ना सैडनेस को सारा जितना भी रोने का दिल करता था वो इधर रो के ना अपने आप को हल्का कर रहा था। तो ना हाफ आवर के क्राइंग के बाद तो फिर ना जो जीवन होता वो ना हल्का सा उठता है, और फिर ना उसकी बैग में थोड़ा सा पेन होता है, बिकॉज जो यूंगी था वो उसके साथ जेंटल गया था, सिर्फ एक जिमिन था जो इतना यूंगी के साथ जेंटल बिल्कुल नहीं था। तो फिर ना वो स्लोली उठता है, और फिर कहते कि ना मुझे मेडिसिन खानी होगी, मेरे बैग में पेन हो रहा है वो ना। तो फिर जो यूंगी तो स्माइल करते हैं, फिर कहते कि ना सॉरी बेबी। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसका फेस रेड हो जाता है, और फिर ना कहते हैं कि मुझे अभी इस चीज़ की आदत नहीं है, अभी प्लीज़ मुझे ऐसे ना बुलाओ। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना स्माइल करता है, फिर कहते हैं तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं दूंगा, बस प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के ना जाना, मेरे साथ रहना हमेशा। तो फिर ना जो जिमिन होता है स्माइल करता है, कहते हैं आई होप सो मैं ज़रूर रहूँगा, मुझ जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो फिर ना ये सुन के ना जो यूंगी का जैसे बहुत ज़्यादा ना वो नाइन्थ क्लाउड पे पहुंच गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश था ये सुन के, और फिर ना उसके फेस पे बहुत प्यारी सी उसकी गेमें स्माइल आ जाती है। तो फिर ना जो जेमन होता है स्माइल के था, और ना स्लोली बेड से उठता है, उसके फुल नेकेड बॉडी को देखे ना बस जो यूंगे था वो ना उसकी बॉडी को घुर जा रहा था, और जो जेमन होता है जब वो फील करते कि वो किस तरह नीचे उतर रहा है, और ना वो पिछुड़ के देखते हैं तो ना यूंगे बस उसके बट को ही घूर रहा था, और अब जो हाफ वो
टर्न हो गया था, तो अब उसके ना सिर्फ था प्राइवेट पार्ट के ऊपर उसकी नजर थी, तो उन्हें ये देखे ना जीवन का फेस स्ट्रेट हो जाए थे, और उन्होंने एक पिला मार दिया, कहते कि ना यू परवर्ट ब्रम आइज क्लोज करो। तो फिर ना जो जूंगे था वो ना उसको अपने माउथ अपने फेस पे से उसको हटा के पिलो को हटा के ना जीवन की बॉडी इधर दोबारा देखने लगते, कहते कि ना बेबी तुम मुझे अपने इतना टफ टाइम क्यों दे रहे हो। तो फिर ना जो जीवन होता है उसका ना फेस रेड हुआ होता है, तो फिर कहते कि ना शट अप बोलता है। और फिर ना जूंगी से ना ब्लैंकेट खींच लेता है और खुद की ना वेस्ट के अराउंड ना रैप कर लेता है। और फिर ना जब वो जूंगी की तरफ जितना उसे जाती है, बिकॉज वो भूल गया था कि जूंगी भी नेकेड है, और फिर जब वो जूंगी की नेकेड बॉडी की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है।